डियर स्टूडेंट्स, आज के 10 नए टॉपिक्स फिर से आपके बीच आ चुके हैं। हम जानते हैं कि इन्हें कंप्लीट करना एक बड़ा ही डिफ़िकल्ट काम है, लेकिन आप जितना भी कर पाएंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। साथ ही आज से कुछ नया कंटेंट हम आपको जोड़ रहे हैं। इसमें कई सारे बुक्स में ऐसे तथ्य हैं जिन्हें आपको याद करना है, लेकिन ये बहुत बड़ी संख्या में है, तो इनमें कौन सा बेस्ट है, कौन सा एग्ज़ाम फ्रेंडली है, इसमें कभी कभी कन्फ्यूज़न होता है। तो हम आपको रेगुलर 10 टॉपिक्स के साथ इस तरह के कंटेंट आपको देंगे। आप इन्हें नोट डाउन करते जाएं और अपनी कॉपी में लिख लें सेपरेटली, और इन्हें आप इम्बाइब करके कोशिश करें कि आप गेट बाय हार्ट कर लें जितना भी संभव हो। ये एग्ज़ाम फ्रेंडली हैं, रेगुलर एग्ज़ाम्स में दिखाई देते हैं। जैसे कि कुछ बुक्स एंड ऑथर्स, यहाँ पर आपको हम 5 बुक्स एंड ऑथर्स दे रहे हैं। आपको बिल्कुल हम सेलेक्टेड चुने हुए बुक्स एंड ऑथर्स देंगे, होपफुली ये एग्ज़ाम में दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि ये रेगुलर इधर उधर दिखाई देते हैं, किसी न किसी एग्ज़ाम में ये आते ही रहते हैं। तो इम्पॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स, ये आप नोट डाउन करें। साथ ही दूसरा देखिए, ये हम आपको दे रहे हैं रिसर्च से संबंधित, जो अनुसंधान संस्थान हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, उन्हें भी आपको याद करना है। रेगुलर इससे क्वेश्चंस दिखाई देते हैं। तो ये रिसर्च इंस्टीट्यूट आप केंद्रीय, यहाँ पर आप अगर देखें तो सड़क अनुसंधान भवन निर्माण संस्थान है, तो बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, वन अनुसंधान संस्थान यानी फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, और कृषि अनुसंधान संस्थान यानी एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, सड़क अनुसंधान रोड, और फिर आपको इसी तरह के ये 5 जो है राइस चावल के साथ, आपको इन्हें नोट डाउन कर करके कोशिश करना है कि आपको ये याद रहे। ये तीसरा सेक्शन हम आपको दे रहे हैं, ये स्टडी से रिलेटेड है, अध्ययन से, जिसमें आप एपिकल्चर सेरिकल्चर सिल्विकल्चर करते हैं, ये भी रेगुलर एग्जाम में दिखाई देते हैं। तो इन्हें भी आप नोट डाउन कर लें और कोशिश करें कि आप जितना भी संभव हो इन्हें ध्यान में रखें, आपके ये माइंड में रहे। इसे रेगुलर आपको उलट कर देखते रहना होगा, तभी ये याद रहेगा। आज का जो 10 टॉपिक्स है, आइए देखते हैं कि ये 10 टॉपिक्स कैसे हैं और इनमें क्या क्या आपको पढ़ना है। पहला जो टॉपिक है वो हमने उत्तरी भारत और दक्कन, जिसमें 3 साम्राज्य दिखाई देते हैं, जो तीनों आपस में उत्तर भारत पर, नॉर्थ इंडिया पर अपने अधिकार के लिए झगड़ते रहे, जिसे त्रिपक्षीय संघर्ष या ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल भी कहते हैं। इनमें पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, 3 आपको साम्राज्य पढ़ना है। पाल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रतिहार भी, और फिर राष्ट्रकूट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तीनों साम्राज्य लड़ते और झगड़ते रहे पूरब से लेकर दक्कन के बीच, इनके बीच उत्तर भारत पर आक्रमण के लिए लगातार युद्ध हुआ। तो इनके अलग अलग एस्पेक्ट्स, कौन संस्थापक था, किसने महत्वपूर्ण युद्ध किए, अमोघ वंश, देखिए राष्ट्रकूट वंश का बहुत इंपॉर्टेंट शासक है, तो ये सब आपको समझना है इसमें। उसके बाद आइए दूसरा जो टॉपिक है वो है दिल्ली सल्तनत से। दिल्ली सल्तनत आपने रफली समाप्त किया है, गुलाम वंश से लेकर करके सभी वंश, 5 वंश यहाँ पर थे, तो कम से कम ये तो आपने जाना कि गुलाम वंश से लेकर लोधी वंश तक कौन कौन से मुख्य शासक थे और ये किस तरह से अपने अपने शासनों में कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं लेकर आए जो एग्जाम में दिखाई देते हैं। तो कई बार क्रम ही पूछ देता है, क्रोनोलॉजी, गुलाम वंश से लेकर लोधी वंश के बीच क्रम बताइए, सही सही क्रम, तो ये है। लेकिन आज जो हम आपको दे रहे हैं वो है सल्तनतकालीन प्रशासन। अब जो तो ये शासन समाप्त हुआ शासकों का, बीच बीच में उसमें हम लोगों ने प्रशासन भी पढ़ा, लेकिन आज सेपरेटली इन द होल एज ए होल पूरा जो है आपका प्रशासन पढ़ेंगे कि इसमें प्रधानमंत्री को क्या कहते थे, विदेश मंत्री क्या था, इसमें भूमि का किस तरह से सिस्टम था, क्या लैंड टैक्स था, उसमें अधिकारियों के क्या क्या नाम थे, उश्री भूमि, उश्र भूमि क्या थी, खराज ये क्या था, तो ये सब आपको समझेंगे, मददमाश ये क्या था, तो ये सब आपको प्रशासन में दिखाई देगा। ये सब टर्म हमें समझना है, तो शासन दिल्ली सल्तनत का हमें करना है। उसके बाद देखिए, हमने एक ज्योग्राफी में, आज इंडियन ज्योग्राफी का ही दोनों टॉपिक हमने लिया है, भारत के उद्योग में लोहा, लौह उद्योग यानी आयरन इंडस्ट्रीज को हमने उठाया है। इसमें आपको जानना है कि लोहे का उद्योग कहाँ कहाँ से लोहे मिलते हैं, लोहे के कौन कौन से प्रकार हैं, इनका इंडस्ट्री कहाँ कहाँ एस्टेब्लिश हुआ, भारत की स्थिति विश्व में क्या है, विश्व में पहला कौन है, ये सब आपको लौह उद्योग में पढ़ना है। तीनों के टॉपिक्स दिए, पेज नंबर दिए जा रहे हैं। चौथा जो है ज्योग्राफी में बहुउद्देशीय मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुउद्देशीय परियोजना हम लोग पहले भी कर चुके हैं, आज ये एक तरह से रिपीट हो रहा है, एक महीने पीछे हम लोगों ने इस टॉपिक को किया था, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, तो इसे हमें करना है। किस नदी पर कौन सी परियोजना है, किस परियोजना किन राज्यों में
विस्तारित है, कौन कौन से जिसके प्रभाव क्षेत्र हैं राज्यों में किस परियोजना के। अब अहिरा कुंड एकमात्र ओडिशा में है, लेकिन सतलज नदी पर जो बांध है वो सब बांधें आपको कई राज्यों से होकर जाती हैं, तो ये सब आपको समझना है, पढ़ना है। तो ये सब बहुत देशी आप करेंगे। साइंस में कार्बन और उसके यौगिक कार्बोनेट्स कंपाउंड ये हमने लिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर आप टाइम देंगे। इसमें क्राउन में बहुत अच्छा दिया हुआ है, लूसेंट में भी ठीक ठाक है, और यूनिक में स्कैटर्ड है, थोड़ा सा अच्छा हमें नहीं लगा, बहुत स्कैटर्ड है, और शॉर्ट में भी हमें लगा। तो यूनिक में तो चूँकि सब चीज़ बहुत एलेबरेटेड है, तो इसके पेजेस अलग अलग पेजेस पे ये दिए हुए हैं, लेकिन इसमें आप कार्बन और इसके कंपाउंड्स में हीरा ग्रेफाइट के साथ साथ एल्केन इल्कीन इथीन ये सब करने का प्रयास करेंगे। इससे एक क्वेश्चन पिछले साल भी आए थे और ये रेगुलर बनते हैं। कंकाल तंत्र देखिए हम लोग कर रहे हैं बायोलॉजी में, अब तंत्र एक और हम लोग उत्सर्जी तंत्र कल करेंगे, फिर ख़त्म हो जाएगा जो मेन ऑर्गन सिस्टम्स हैं ये लास्ट हो जाएंगे। स्केलेटल सिस्टम जो है हड्डी तंत्र या कंकाल तंत्र ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप करेंगे। तो बोन कहाँ कहाँ पर कितने होते हैं, मस्तिष्क में कितने बोन हैं, हमारा सबसे लॉन्गेस्ट शॉर्टेस्ट बोन, हार्डेस्ट बोन, सॉफ्टेस्ट बोन, ये सब इसमें आपको करना है। पॉलिटी में देखिए हमने लिया है केंद्र राज्य संबंध यानी सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप, केंद्र राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन अनुसूची 7 में आपको दिखाई देता है। तो इसमें आपको कौन कौन से राज्य सूची के विषय हैं, केंद्र सूची के विषय, समवर्ती सूची, ये लिस्ट जो है इसे समझना है, साथ ही अंतर्राज्यीय परिषद क्या है ये सब आपको, क्षेत्रीय परिषद, रीजनल काउंसिल, ये सब आपको देखने को मिलेगा। साथ ही यहाँ पर फिर से आ जाएगा आपको वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन, तो इसको एज ए होल आप केंद्र राज्य संबंध के संदर्भ में करेंगे। नेक्स्ट आइए भारत में प्रतिभूतियों और सिक्कों का उत्पादन। देखिए जो बैंकिंग सिस्टम से रिलेटेड खासकर आरबीआई से रिलेटेड ये टॉपिक है, तो आरबीआई अपने कहाँ कहाँ नोट छापता है, कहाँ उसके सिक्कों का उत्पादन होता है, ये सब डिटेल्स आपको, उसके मिंट कहाँ हैं, तो ये सब समझना है। पेजेस नंबर दिए जा रहे हैं। नदियों के किनारे बसे शहर, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है रिवर साइड में जो दो शहर हैं, सिटीज़ हैं, उन्हें समझना है। इसमें नेशनल और इंटरनेशनल आपको दोनों समझना है। ब्रैकेट में जो दिया हुआ है वो ये के दूसरे पेज पे मिलेगा, पेज नंबर में अगर ब्रैकेट में बगल में पेज नंबर दिया हुआ है तो इसका मतलब है कि ये अलग पेज पे मिलेगा। तो ये आप शहरों को करेंगे, सिटीज़ को करेंगे, नदियों के किनारे। नेक्स्ट आइए हम लोग कर रहे हैं बिहार में जो 10वां टॉपिक है, हम लोगों ने चंपारण मूवमेंट किया, अब देखिए उससे आगे बढ़ेंगे 1917 से आगे, रॉलेट एक्ट और बिहार के संदर्भ में करेंगे हम लोग। रॉलेट एक्ट का बिहार पर क्या असर पड़ा, और फिर खिलाफत, और फिर असहयोग आंदोलन, नन कोऑपरेशन मूवमेंट, इन तीनों को, रॉलेट एक्ट, खिलाफत और नन कोऑपरेशन मूवमेंट कंबाइंड, बिहार में इसका क्या असर पड़ा, ये क्राउन जो बिहार स्पेशल है, या अगर आपके पास लूसेंट बिहार स्पेशल है, कोई भी बिहार स्पेशल है, उसे आप पढ़ेंगे। तो ये बिहार के संदर्भ में बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आइए दिवस में फरवरी के महीने के दिवस करना है, एक डेज जो हम लोग ले रहे हैं अब हर बार, इस बार फरवरी महीने के डेज आपको एक जगह कलेक्ट करके और उन्हें रिवाइज करना है, याद करना है। और अब लास्ट में प्रतियोगिता दर्पण, प्रतियोगिता दर्पण अब अप्रैल में हम लोग आ चुके हैं, अप्रैल महीने के प्रतियोगिता दर्पण कर रहे हैं, यानी कि इसमें कंटेंट होगा फरवरी 2018 का, इसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, आज जो हम लोग करेंगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय के संदर्भ में, तो इसमें स्कॉर्पियन पनडुब्बी ये एक बड़ा इसमें क्वेश्चन देखने को मिलेगा, कहाँ से लिया गया ये स्कॉर्पियन श्रेणी के पनडुब्बी, इस तकनीक को हम लोग कहाँ से ले रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय में इस बार एक बहुत इंपॉर्टेंट इसमें था दिया हुआ है कि भारत ने सेशेल्स में अपना हवाई और नौसैनिक एक सुविधा केंद्र, एक अड्डा, छोटा अड्डा स्थापित करने की घोषणा की, इस पर एक समझौता किया है सेशेल्स के साथ। तो बस आज का ये एपिसोड यहीं तक रहेगा, आप इसे अच्छे से नोट डाउन करें और प्रयास करें कि मैक्सिमम जो कंटेंट इसमें है वो आपके कंप्लीट हो। अपना ध्यान रखें, मुझे इजाज़त दें, टेक केयर।